से पूछना चाहता हूं, बहन और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयन ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडेय ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, यह धरती च्यवन ऋषि के साथ जुड़ी रही, इसका संबंध रहा है, और इस धरती का संबंध देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है। फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागिरी इनके डीएनए का हिस्सा है, और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड, ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है।